ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। और मुझे बहुत अच्छा लगता था, और वैसे भी मम्मा को चलते फिरते मम्मा कहीं खड़ी होती थी तो मैं जा करके मम्मा के साथ खड़ी हो जाती थी। फिर एक दिन वो भी आया, जब मम्मा कहने लगी कि तुमको अब सेवा पर जाना है और तुम्हारी डिमांड कानपुर के लिए बहुत है। गंगे दादी याद करती है, पत्र लिखती है कि मुझे वो हैंड्स भेज दो, क्योंकि उन दिनों में यज्ञ में हम ही इकलौते रहे तो बाबा चलते फिरते बहुत महिमा और मुरली में भी महिमा करते थे। मेरा नाम बाबा ने कभी नहीं लिया, क्योंकि हमारे गांव का नाम जो रेवना था तो हमेशा बाबा रेवना बच्ची कहते थे। तो बाबा रेवना बच्ची करके बहुत सारी विशेषता जो मैं भी नहीं समझ पाती थी, लेकिन बाबा महिमा करते थे। तो वो टेप में आता था, पहले टेप होती थी और वो टेप भर के आती थी, सभी सुनते थे। तो बहुत जगह से हुई, लेकिन मम्मा ने कहा देखो फिर भी तुम कानपुर जाओ, ऐसे डिमांड तो बहुत लोगों की है। तो मम्मा ने हमको प्यार से सिखाया कि जब जाना तो कहाँ भी तुम जाओ, लेकिन सबसे पहले तो अपने विचार नहीं रखना कि मेरा विचार कहता है या मैं, मुझे मान मिले, मुझे शान मिले, मैं इतना करती हूँ तो कोई मेरी महिमा करे। मम्मा ने कहा नहीं, और कभी कभी तुम्हारे सामने पेपर आएगा। ये कि हाँ तो कर दिया, कैसे कचौरी बनाओगी तुम, कहाँ रखी है? मैंने कहा रुको अभी मैं बताती हूँ। तो मैंने दाल लिया, तो छिलका उतरी हुई दाल को धो लिया और धो करके उस दाल को थोड़ा सा कढ़ाई में गर्म कर दिया, भुंसी गई और तुरंत ग्राइंडर कर दिया। ग्राइंडर करके भिगो के बढ़िया कचौड़ी मसालेदार बना भेज दी। सब लोग हैरान हो गए। मैंने कहा देखो मुझे ना नहीं करना, क्योंकि मम्मा ने सिखाया है तो मैं कभी ना नहीं कर सकती हूँ, कैसे भी मैं पूरा करूँगी। इसी तरह से चाहे कोई स्टेशन से पास हो रहा हो, समय कम हो, ट्रेन आने वाली हो, अगर कह दिया भोजन चाहिए तो कैसे भी हमने तैयार करके आज तक पहुँचाया। कानपुर से कोई भूखा नहीं गया, अचानक कहने वाला भी नहीं, तो दूसरा कहेगा ट्रेन तो आ रही, इतनी जल्दी कैसे भोजन तैयार हो जाएगा या चाय तैयार हो जाएगी। तो इस प्रकार से लाइफ में चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, कभी भी मैंने जो है वो किसी को ना नहीं बोला है, तो हर तरह से सहयोग देने के लिए तैयार। तो यहाँ तक छोटी सी एक बात बताएं कि हमारा जो रतन महल की बिल्डिंग है, अपार्टमेंट में बहुत लोग हैं और हर तरह का सहयोग है, मिलना जुलना है। तो मेरा नाम रख दिया था कि विद्या बहन तो हर दर्द की दवा है, हर मर्ज की दवा है, चाहे सिलेंडर का हो, चाहे कोई किसी के पास कोई और दिक्कत हो। मैंने कभी नहीं सोचा, मैं कहती थी हाँ मैं अभी आपको अपना सिलेंडर दे देती हूँ, मैं देख लूँगी, आप पूरा कर लो। तो मैं चूल्हे से निकाल के भी अपना सिलेंडर दे देती। तो इसी प्रकार से किसी ने शरीर छोड़ दिया तो उन्होंने समझा कि नए नए रतन महल में आए थे कि बहन के यहाँ तो है तो कुछ जरूर होगा पूजा वाला। तो उन्होंने कहा दीदी मुझे कुछ चाहिए और मेरी माँ ने शरीर छोड़ा है तो लेटाना है, तो कुछ के ऊपर लेटाना है। तो हमने कहा अच्छा ठीक है, आप एक काम करो, जब तक गाय का गोबर आएगा पहले आप अपनी जमीन को गोबर से लीप लो और फिर तब आप हमसे कुछ मंगा लेना। तो मैंने दुकान वाले को फ़ोन किया, मैंने कहा जल्दी से रिक्शा करके कुछ हमें भिजवा दो अपने नौकर से, जो भी पैसा होगा रिक्शे का हम सब पूरा देंगे। तो कहने का मतलब अगर मेरे से किसी ने उम्मीद रखी है किसी भी प्रकार की तो उसकी उम्मीदें पूरी की। मैंने ना नहीं बोला कि नहीं हो सकता। तो हर प्रकार से जो मम्मा ने सीख दिया वो काम हमने किया।